नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज 4 अक्टूबर और ये मेरे आज के दिन के सेकेंड कॉल है। तो बेसिकली हम समझते हैं एक शेयर और है जिसके अंदर मुझे लगता है कि अब ट्रेंड आने वाला है। इस शेयर के अंदर जो आपको टारगेट दूंगा वो 20 से 25 दिन के अंदर सारे अचीव होंगे। तो उससे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए समझते हैं। अभी मार्केट ऑफिस दिन शाम को 4:30 बज रहे हैं। तो जो मैंने आज कंपनी चूज़ की है, उस कंपनी का नाम है कैलम्बिन फाइन साइंस लिमिटेड। कंपनी का बेसिकली पर्पस क्या है, आप साइंस के वजह से समझ चुके होंगे कि ये मेडिकेटेड कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी क्या है, सेल्फ लाइफ का सोल्यूशन देती है, यानी कि उसके जीने की, किसी भी प्रोडक्ट को जीने की लाइफ लाइन होती है, उसको बढ़ाने के काम करती है कंपनी। का काम ये है, कैलम्बिक फाइन साइंस लिमिटेड का काम यही है। तो ये क्या है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। तो इनका मेन सॉल्यूशन क्या है, सेल्फ लाइफ सॉल्यूशन देती है अरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस को लेके, हेल्थ एंड वेलनेस के परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाती है। तो बेसिकली किस किस सेक्टर में और कंपनी काम करती है, फूड एंड बेवरेज की सेल्फ लाइन बढ़ाती है, पेट फूड बढ़ाती है, एनिमल का न्यूट्रिशन का, बायोफ्यूल, ठीक है, एक्वा कल्चर को, ठीक है, बाकी ये सारे काम करती कंपनी। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, कैलम्बिक फाइन साइंस लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी का मेन जो पर्पस है, मेन जो काम है, वो है सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, सेल्फ लाइफ का सोल्यूशन देती है। देखिए ये वेबसाइट पे पूरा दिख रखा है कंपनी ने। ठीक है, तो सेल्फ लाइफ की ज़रूरत हर किसी को, क्योंकि आज भी जो प्रोडक्ट बनते हैं तो ज़्यादातर तो उनमें सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी जीने की क्षमता बढ़ती है जब भी, तो हम उनको फ्रिज या डीप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी किस सेक्टर में, मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस कंपनी के साथ, किस कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं, कंपनी किस सेक्टर में, ये आप चीज़ को पता होना चाहिए। स्पेशली जब भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि पता तो चाहिए कि इस मॉडल का यानी इस बिजनेस मॉडल का लाइफ है या नहीं, क्या सही है इसमें बाय करना है नहीं, ये भी समझना चाहिए आपको। मेरा बस वीडियो के अंदर आपको यही समझाता हूँ मैं, जो भी आपको कॉल देता हूँ उसके अंदर हर कंपनी के प्रोफाइल, उसके चार्ट वार्ट यानी उसका चार्ट हो गया, और उसका क्या बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट हो गए, क्वार्टरली अर्निंग, ईयरली अर्निंग, इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको समझ आएगी कंपनी की काम वर्किंग पैटर्न क्या है, कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। चलिए अब सारी बात ख़त्म करते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट, आप कंपनी की वेबसाइट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यूज आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर को क्यों बाय करना है, इसमें आप अच्छे रिटर्न कैसे प्राप्त करेंगे वही बताऊंगा आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अभी मैंने गूगल पे ओपन कर लिया कैलम्बिक फाइन साइंस लिमिटेड को। ठीक है, केमिकल की कंपनी है, तो स्पेशलिस्ट है केमिकल को। आप सीख सकते जिस तरह से तेज़ी शुगर, मेटल और केमिकल, इन तीन सेक्टर में ऐसी तेज़ी है कि बस बता नहीं सकते, क्योंकि दिवाली तक तो और डबल तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। अब समझते हैं इसका ओवरव्यू, आज के दिन की ट्रेडिंग क्या रही है, आज किस लेवल पे क्लोज हुआ। देखिए आज ये 6.5% यानी 7% की तेज़ी दिखा चुका था और 6.5% तेज़ी पे तब बंद हुआ है, 203 रुपये तो बंद हुआ है। तो इसका 52 इसका आज ये ओपन होता है 199 पे ओपन होता है, 191 पे ओपन होता है, हाई मारता 208 रुपये का, लो मारता है 190 रुपये का, 52 हाई है 230 रुपये, 52 लो है 90 रुपये, यानी कि 52 लो से 100 रुपये अप ट्रेंड की तरफ है। और मुझे लगता है जो मैं टारगेट देने वाला हूँ आपका 52 हाई भी तोड़ेगा वो डेफिनेटली। तो ये कहाँ से हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुंबई में, कब से कंपनी, 1931 से रनिंग में कंपनी। ठीक है, तो ये ट्रस्टवर्थी कंपनी है, कंपनी इंडिया की है, ये सबसे समझने वाली है। कंपनी का ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क है, ये सब चीज़ें हैं, बाकी कंपनी की वेबसाइट में आपको दे दूँगा, उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इसमें तेज़ी की वजह भी बताऊँगा, ऐसा क्या हो वो सब चीज़ बताऊँगा आपको। पहले इसका समझता हूँ ओवरव्यू कंपनी का। तो ये मनी कंट्रोल के मैं साइड पे आ चुका हूँ, तो ये कंपनी का ओवरव्यू समझते हैं पहले हम लोग। टेक्निकल चार्ट की रेटिंग जो चल रही है वेरी बुलिश चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 75% एनालाइजर वॉल्यूम में बाय करना है, 25% एनालाइजर वॉल्यूम में सेल करना है। अब देखते हैं हम इसका क्वार्टरली क्वार्टर, पहले अर्निंग देखते हैं इसकी, क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट ओपन कर लिया मैंने ये इसका। ठीक है, ये शॉर्ट उसमें व्यू के अंदर होता है। पहले इसका रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू कितने किया था इसने, दिसंबर के अंदर इनने 297 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं मार्च क्वार्टर के अंदर इनने 326 का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं जून क्वार्टर के अंदर 2021 के अंदर 303 का 3
30 का यानी 330 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि एवरी मार्च के बाद यानी कि सितंबर के बाद से कंपनी में एवरी क्वार्टर अच्छे वो दिखा रही कंपनी, यानी कि रेवेन्यू अच्छा जनरेट करी, यानी सेल्स कंपनी की अच्छी हो रही है। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो दिसंबर में अच्छा प्रॉफिट 19 करोड़ का हुआ था, वही मार्च के अंदर 15 करोड़ का डाउन हुआ था, वही जून क्वार्टर के अंदर 23 करोड़ का प्रॉफिट अन हुआ था, यानी कंपनी का ग्रो भी अच्छा हुआ था, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है सेल्स के साथ साथ। उसका EPS देखते हैं, तो मार्च के अंदर दिसंबर के अंदर 2020 के अंदर 1.6 था EPS, तो वहीं मार्च के अंदर 1.6 था, वही 1.75 हो गया था जून के अंदर, यानी कि EPS भी ग्रो कर रहा है क्वार्टर क्वार्टर। अब ईयरली देख लेते हम लोग एनुअली, तो ये देखिए 2017 के बाद से ही कंपनी एवरी ईयर ग्रोइंग पे है, पिछले 5 साल से कंसिस्टेंसी कंपनी ग्रोइंग पे है। या देखिए 550 करोड़, 892 करोड़, 1049 करोड़, 1187 करोड़, यानी 1187 करोड़, 1049 करोड़, यानी कि देखिए एवरी ईयर 2020 के अंदर 1500 था, वहीं 1187 करोड़ हो गया था 2021 के अंदर रेवेन्यू अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखिए 19 के बाद से ही कंपनी, और पिछले 2021 के अंदर इन्हें तो प्रॉफिट ही अल्टीमेट करा था, मेरे को लगता है 2022 का जिसका रिजल्ट है वो अल्टीमेट आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ग्रोइंग करी, जिस तरह से कंपनी की सेल्स हो रही, जिस तरह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो जिस केमिकल में वर्क करती है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। EPS भी ग्रो कर रहा है ईयर वाई, ये देखिए 2020 के अंदर 2 था, 2021 के अंदर 4.13 हो गया, यानी डबल कर दे EPS, ठीक है। ये देखिए बाकी सब चीज़ें सही है इसका रेवेन्यू। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं अपन लोग, तो ये देखिए इसमें शेयर होल्डर पैटर्न कितना है, पब्लिक के पास है इसका 50% तो पब्लिक इसका ओनर है, 21% प्रमोटर के पास है, 5% इसका FII के पास है, DIS के पास है 19%, तो इस तरह से इसका वो है क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग है। अब समझते हैं थोड़ा सा और डीपली जाकर समझाता हूँ मैं आपको क्लैमलिंग फाइन साइंस लिमिटेड का थोड़ा सा ये ओवरव्यू समझा रहा हूँ बस आपको और कुछ नहीं। ये देखिए क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल्स की ग्रोथ देखिए, जून के अंदर 145, मार्च के अंदर ये देखिए, एवरी क्वार्टर बाई क्वार्टर वाइज आपको समझा भी दिया, बाकी ये थोड़ा सा ओवरव्यू था बस। ये ईयर वाइज देखेंगे आप मार्च के अंदर कितनी सेल होती है 2021 के अंदर 600 करोड़ की, ठीक है, वहीं मार्च 2020 के अंदर 597 करोड़, वही मार्च 2019 के, यानी एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रही है कंपनी, तो ये अच्छा होता है कंपनी ग्रो के लिए होनी चाहिए, और कंपनी अपना अपना डेप काम करे और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो हमारे जो हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो शेयर भागेगा तो अच्छी रिटर्न जब मिलती है, ठीक है। ये ओवरव्यू था। अब और क्या था, अब इसमें ना 1 अक्टूबर को एक न्यूज़ आई थी, इनका एक प्लांट है देजी के अंदर यानी गुजरात के अंदर, तो उसकी इन्होंने 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव, ये लिखा ना क्लैम्बिंग फाइन साइंस लिमिट अचीव्स 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट देजी प्लांट इन सितंबर, यानी सितंबर के अंदर इन्होंने 100% कैपेसिटी के साथ वर्क 100% यूज़ कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया प्लांट का, क्योंकि बहुत से प्लांट होते हैं बहुत सी कंपनी का वो 100% यूज़ नहीं कर पाते, बस इन्होंने अपना पूरा प्लांट का फुल्ली तरह से इन्होंने यूज़ किया, जो जो इन्होंने को बनाया था उसमें बनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने जो केमिकल बनाते हैं जो सेल्फ लाइफ बढ़ानी थी प्रोडक्ट्स की वो इन्होंने करा उसके अंदर। अब देखते हैं अगर इसके, ये देखिए अब मैं टिकर टेप की साइड पर आ चुका हूँ, हमें 100% एनालाइजर बोलते हैं इसमें बाय करने के। इसका PE रेट देखिए 47, काफ़ी अच्छा होता है, सेक्टर PE भी सही है इसका, ठीक है। इसका मार्केट कैप है 2423 करोड़ का मार्केट कैप है, ये काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी दिया इसने अभी तक कंपनी ने, 1.3% का डिविडेंड दिया। ये देखिए एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चल रही है कंपनी। तो ये ओवरव्यू था टिकर टेप का। अब समझते हैं मेन पर्पस के, भाई चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया, ये देखिए जब भी यू पैटर्न जब भी बनता है तो उस शेयर के अंदर तो डेफिनेटली हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है, हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है, क्योंकि जब भी ये पैटर्न बनता है, जब भी ये इसको क्रॉस मूविंग करेगा तो जब जब इसमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखिए ना कॉन्सोलिडेट होके ये अपने इसने यानी कि इसने 100 डेज को भी अप 100 डेज के ऊपर अप कर रहा है,
ठीक है, एवरेज मूव जो है 100 डेज के उसको अप ट्रेंड हो गया है, 21 डेज के ऊपर भी अब चल रहा है। आज देखिए इसके अंदर कितना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश हुई है, कल के दिन भी हुई थी और आज के दिन भी हुई है, यानी कि फ्राइडे को भी हुई थी और आज मंडे को भी हुई है। देखिए दोनों दिन हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो ये पैटर्न जो बना यू शेप पैटर्न बना है, इसमें और भी अप ट्रेंड बाकी है। तो हम जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे ना, तो वो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 180 का, क्योंकि मैं टारगेट भी आपको थोड़ा लंबे देने वाला हूँ। तो हम 180 के स्टॉप लॉस के साथ से बाय करेंगे, क्योंकि देखिए MACD पे भी अप ट्रेंड आ चुका है, RSI अप ट्रेंड की तरफ है, तो ये इंडिकेशन होते हैं कि चार्ट पे भी कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कंपनियों का चार्ट जो होता है ना, चार्ट हमें समझा रहा होता है। तो अब देखिए इस कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया, जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो इसमें जो पहला मेरा टारगेट है वो आएगा 215 रुपये का। ये देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले उस लेवल पे कंपनी ट्रेड कर चुका है। चार्ट देखिए ये इस कैंडल पे है अभी, जैसे इस कैंडल का सपोर्ट मिलेगा तो एक 215 रुपये का पहला लेवल हिट मारेगा, 215 जैसे हिट आउट मारेगा तो इस कैंडल को सपोर्ट लेके चलेगा। तो 215 के बाद ये इसमें पहला दूसरा टारगेट आएगा मेरा, थोड़ा लंबे लंबे टारगेट रहा हूँ, इसमें आएगा दूसरा टारगेट मेरा 225 रुपये का। ठीक है, जैसे ही 225 को ब्रेकआउट मारता है, क्योंकि जैसे इसमें अप ट्रेंड आएंगे, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, तो 215, दूसरा टारगेट 225, तीसरा टारगेट मेरा 235 रुपये का। इन तीन टारगेट लिए बने रहेंगे और पेशेंस साथ होल्ड करेंगे, क्योंकि देखिए जितनी भी मैं कॉल दे रहा हूँ तो सारी कॉल मेरी हिट हुई हैं, थोड़ा लेट सवेर जरूर हो रही, क्योंकि मैं दिन ही यानी डेज आपको हाई बना बताता हूँ। देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है, जब इस पैटर्न के ऊपर जाएगा यानी कि 230 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली 235 का टारगेट हिट कर देगा, क्योंकि ये कैंडल है, यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगी, यहाँ से सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस तोड़ेगा ये, ठीक है 230 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वैसे 235 थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट इसमें डेफिनेट आप बने रहिए 200, इसमें आपको 180 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय करके चलेंगे। ठीक है, अगर गिरावट होती कल के दिन तो गिरावट में आप डेफिनेटली बाय करिए, क्योंकि चार्ट पे जो तो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग का तो फिर अप ट्रेंड की तरफ हो, क्योंकि जो इसमें कॉन्सोलिडेट होना था, देखिए यहाँ पे जितनी इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, जितना इसमें गिनना था वो हो चुका है, बट चार्ट पे जो दिखा रहा है अब RSI MACD जो दिखा रहा है, मेरे को लगता है अब इसमें जितनी गिरावट है ख़त्म हो चुकी है, चार्ट पे हैवी वॉल्यूम हैवी बुलिश ट्रेंड के साथ ये चार्ट अब उठ चुका है, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुके हैं। तो डेफिनेटली से बाय करिए, पहला टारगेट 215 का, दूसरा टारगेट 225 का, तीसरा टारगेट 235 रुपये का, तीन टारगेट बाय करिए और पैसे से बने रहिए। अब थोड़ा वीकली चार्ट पे समझा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए वीकली चार्ट पे लगातार 1, 2, 3, 4 वीक से लगातार इसके अंदर हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस आउट मारेगा वीकली चार्ट पे भी, इस वीक इसने ये वॉल्यूम क्रिएट करा, तो वॉल्यूम के साथ इसमें जैसे ही क्रॉस मूविंग करा इसने वीकली चार्ट पे, जैसे ही इधर ब्रेकआउट दिया 20 डेज 1 डेज को, तो वहीं इसमें ब्रेकआउट आने के बाद इसमें जो टारगेट आने वाले हैं, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको 235 तक के, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे 20 से 25 दिन के अंदर। तो 20 से 25 दिन के लिए आप होल्ड करके पेशेंस साथ बने रहेंगे और आपके सारे टारगेट अचीव होंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।